एक एज अ कॉन्ट्रसेप्शन भी रखते हैं, लेकिन इसकी कॉन्ट्रसेप्शन 5 ईयर्स के लिए होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, हम मरीना HMB में भी रखते हैं, एंडोमेट्रोसिस में भी रखते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में भी रखते हैं, मतलब गायनेकोलॉजिकल इंडिकेशंस भी हैं इसकी और ऑब्स्टेट्रिक भी। ऑब्स्टेट्रिक में एज अ कॉन्ट्रसेप्शन और गायनी में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ HMB, ठीक है, फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, और इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस में भी रखते हैं, एडिनोमायोसिस में भी, ठीक है। अच्छा, एंड ये है मरीना, मरीना की ये जो होती है ना, ये इसका जो है वो ये शाफ्ट है इसका, ठीक है, इसमें जो था ना वो आपका रेजर वायर होता है, मतलब जो आपकी ड्रग होती है, ड्रग कौन सी होती है, लीवर नॉर जेस्ट्रिल, ठीक है। ये आपका जो है ना, ये स्लाइडर है, ठीक है, और ये हैंडल है, ठीक है, ये आपका है फ्लैंज, इसको फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है, फिर से बताओ, ये फ्लैंज है, ठीक है, ये शाफ्ट है, ये हैंडल है, ये आपका स्लाइडर है, और ये रेज्ड मार्क है। इसमें मैं आपको बताती हूँ इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये रेज्ड मार्क है, ठीक है। अच्छा, जब आपने ना मरीना में सबसे जो भी आपने स्किल करनी है ना, सबसे पहले आपने बोलना है, आफ्टर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, रूलिंग आउट ऑल द कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड टेकिंग इन एंड आई विल टेक इन फॉर्म कंसेंट, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन द पेशेंट, आई विल एक्सप्लेन रिमूवल एंड इंसर्शन प्रोसीजर, आई विल डिस्कस कॉम्प्लिकेशन, इंडिकेशन एंड रिस्क टू द पेशेंट। पेशेंट के साथ आपने सारे वो उसको बताना है कि हम इंसर्शन रिमूवल प्रोसीजर पहले उसको सारे एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है कि इंडिकेशन हम क्यों रख रहे हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसमें और क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वी विल प्री मेडिकेट द पेशेंट विद, आपने पेशेंट को मीजोपोस्टोल देनी है 200 माइक्रोग्राम 1 आवर बिफोर, ठीक है, उससे क्या होगा, ऑस ओपन हो जाएगी अगर पेशेंट, मतलब आपकी इंसर्शन जो है वो ईजी हो जाएगी, ठीक है। और आपने उसको एनसिड देना है, मतलब डाइक्लोफेनिक दे दो, कोई भी एनसिड टैबलेट दे दो 30 मिनट्स बिफोर, ताकि उसको पेन ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ट्रॉली चेक कर लेनी है, ट्रॉली में आपका सारा जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वो करना है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन कर लेना आपने, टू असेस द पोजीशन, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। बाय मैनुअल करने के बाद आपने जो है ना वो क्लीन कर लिया अपना वल्वा को, क्लीन कर लिया अंदर से, वजाइना को क्लीन कर लिया, कस्को स्पेकुलम डालना है, कस्को स्पेकुलम पड़ा हुआ इधर, देखा हुआ आप लोगों ने, कल देखे ना इसको, ठीक है, आप देख लोगे कोई पैथोलॉजी तो नहीं है कोई, मतलब इस तरह करके वो सारा आपने देख लिया। उसके बाद आपने यूट्राइन साइज पहले ही आपने असेस किया हुआ है। अच्छा, यूट्राइन साइज जो होता है ना, उसके बाद आपने साउंड करना है यूट्रस को, जो यूट्राइन साउंड होता है ना वो आप जब उसके ऊपर मार्किंग होती है, ठीक है, जब आप अंदर डालोगे ना उसके, आपने देखना कि यूट्रस का साइज कितना है, फंडस के ऊपर हाथ रखना है और यहाँ से डाल के जहाँ पे आपको जो है ना साउंड फील हो जाए ना, वहाँ पे आपने रुक जाना है। यूजली जो यूट्रस का साइज होता है ना वो 6 to 8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, जो यूट्रस का साइज आएगा ना उसके हिसाब से आपने अपना ये फ्लैंज जो है ना वो सेट कर लेना है। अगर 8 सेंटीमीटर है तो आपने इसको 8 पे रखना है, अगर 6 है तो इसको आपने 6 पे रख लेना है, ठीक है। और आपने जो है ना जब इसको फिक्स करना है तो आपने ऐसे फिक्स करना है कि जो स्लाइडर है ना आपका, ये आपका अवे फ्रॉम यू होना चाहिए, ये आप खड़े हो ना तो अवे फ्रॉम यू होना चाहिए, फर्दर द स्लाइडर शुड बी एट द फर्दस्ट पोजिशन अवे फ्रॉम यू, ठीक है, ये सेट हो गया। अच्छा, अब आपने जो है ना आपने कस्को डाला हुआ, आपने सारा वो क्लीन भी किया हुआ सारा कुछ, उसके बाद आपने ना इंसर्ट करना है मरीना, मरीना आपने ऐसे इंसर्ट करनी है कि जो आपका फ्लैंज जो ना वो 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्विक्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जब होगा ना तो आपने स्लाइडर को पीछे करना है और इसको लेके आना है रेज्ड मार्क तक, ये आपका रेज्ड मार्क है। जब आप इसको रेज्ड मार्क तक लेके आओगे ना तो आपके जो अंदर जो इसके आर्म्स होंगे ना, देखो इसमें है ये थ्रेड, जब आप इसको लेके आओगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपके आर्म जो होंगे ना ये बाहर होके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप सेंटर में हो अभी, जब आपने, अच्छा ये हो गया, उसके बाद आपने फ्यू सेकंड्स वेट करना है और फिर आपने इसको फर्दर मूव करना है अंटिल स्लाइडर टचेस द सर्विक्स, ठीक है। इसका मतलब होगा कि आपका जो है ना मरीना वो फंडस तक पहुंच गई है। इस पर आपने क्या करना है कि स्लाइडर को सारा पीछे ले आना है, ठीक है, मरीना अंदर फुल ओपन हो जाएगी और उसके बाद आपने इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और जो थ्रेड होगा ना उसको आपने 2 सेंटीमीटर तक कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने पेशेंट को जो है ना काउंसिल करना है कि अगर स्पॉटिंग वगैरह हो तो वो आके फिर मतलब अपना विजिट करे, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट करनी है अपनी सारी वो आपने जो प्रोसीजर किया है इनको आपने डॉक्यूमेंट करना है, कॉम्प्लिकेशन अगर कोई हुई है तो वो आपने डॉक्यूमेंट करनी है। फिर आपने पेशेंट कहना है कि 1 मंथ के बाद विजिट करें और फिर एनुअली जो है ना वो विजिट करें,
और दूसरा ना इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती हैं, आप यूट्राइन एनोमलीज हो बाई कॉर्न में डिसेप्टेड यूट्रस में नहीं रखते, ठीक है, प्रेगनेंसी को आपने एक्सक्लूड करना है पहले, ठीक है, और इसके अलावा हाँ बस ये दो हैं। अच्छा, और समझ आ गई आप लोगों को?